हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम हमारा जो काव्य के खंड में हमने सबसे पहला पढ़ा रैदास जी, है ना। रैदास जी के दोहे, इसके पहले पद पढ़े हमने रैदास के पद। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रहीम के दोहे। तो मैं रहीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुने। जो रहीम थे, उनका कार्यकाल था 1556 में उनका जन्म हुआ था और 1626 तक उनका कार्यकाल रहा, यानी मतलब 1626 में उनका देहांत हुआ था। तो यहाँ पर मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि रहीम का जन्म लाहौर, यानी अब आज हम देखेंगे लाहौर कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में है ना। तो रहीम का जन्म लाहौर में हुआ था और सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम के नाम से वे प्रसिद्ध हैं, है ना। रहीम के दोहे के नाम से वो प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे अच्छे एक काव्य एक कवि अच्छे माने जाते थे उस मध्ययुगीन में, है ना। मैं आगे आपको बताती हूँ उनकी जानकारी। तो वे मध्ययुगीन कवि थे, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। वो रहीम कौन कौन सी भाषा जानते थे? क्योंकि उस ज़माने में जो पाकिस्तान भी हमारे से मिला हुआ था, पहले हम अलग नहीं थे, हमारा हिंदुस्तान अलग नहीं था, ये सारा पाकिस्तान भी हम में ही था। तो वो पाकिस्तान से लेकर तो अपना पूरा हिंदुस्तान ये सारा एक ही था। तो यहाँ पर अरबी भी, मतलब पाकिस्तानी जो लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी, ये सारी मिक्स थी, है ना। ये सारी चीज़ें मिली हुई थी, वो ये भाषाएं सारी मिली थी, इसलिए अब ये जो रहीम थे ये सारी भाषाएं जानते थे। इनके नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। जब भी हम इनके दोहे देखते हैं तो इसमें संस्कृत की छाप हमें दिखाई देती है। संस्कृत भाषा हमारी मूल भाषा थी, हमारी हिंदी से पहले हम संस्कृत भाषा जो मूल थे, हमारे जो आर्य लोग थे, वो पहले के जो हम इतिहास देखें तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें संस्कृत भाषा में, हमारी मूल भाषा है संस्कृत में। आज भी आप देखते हैं मंत्र जो होते हैं वो संस्कृत भाषा में ही होते हैं, है। तो हमारी मूल भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा थी। तो ये सारी चीज़ें कवि जो रहीम थे वे संस्कृत भाषा के भी, मतलब उनकी जो जो छाप है, उनके दोहों में जो छाप है वो संस्कृत भाषा की भी हमें झलक दिखाई देती है। तो रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। मध्ययुगीन मतलब हमने देखा कि 1556 और 1626 तक उनका कार्यकाल रहा है, तो वो अपनी सारी चीज़ें उसमें मध्ययुगीन में ही वे माने जाते थे। मध्ययुगीन के ही वे कवि माने जाते थे, है ना। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे हमने देखा कि अकबर जो था, राजा अकबर के दरबार में नवरत्न थे, है ना, जिसमें से आपने तानसेन का भी नाम सुना होगा। तानसेन गायक के रूप में वे एक रत्न थे। बाकी बीरबल भी आपने देखा, बीरबल को भी सुना, वो भी एक रत्न थे। वैसे ही हम ये जो कवि रहीम हैं, ये भी एक उसमें से नवरत्नों में से एक रत्न थे, है ना। तो ये जो नवरत्न माने जाते हैं, जो नौ खास माने जाते हैं दरबार में, वो अकबर के दरबार के एक रत्न थे, है ना, नवरत्नों में से एक रत्न थे। रहीम के काव्य का मुख्य विशेष श्रृंगार नीति और भक्ति है। इन्होंने अपने जो कविताएं लिखी है वो श्रृंगार रूप में भी लिखी है, भक्ति के रूप में भी लिखी है, और नीति यानी जो नीति, जो हमारे नियम हैं, उसके बारे में भी लिखे हैं। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, ये तो सभी लोग जानते हैं। रहीम के दोहे प्रसिद्ध हैं, आज से नहीं, जब से वे थे उस युग मध्ययुगीन से, आज तक हम जब तक हैं कलयुग में भी हम देख रहे हैं, मध्ययुगीन से हम इधर आए हैं, तो अभी तक हम रहीम के दोहों को भी पढ़ते हैं, आज भी हम पढ़े रहे हैं 9th में, है ना। तो रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। आपने देखा होगा रहीम के दोहे, अभी जब मैं पढ़ाऊँगी आपको, तो साधारण रूप में लिखते हैं वो, अपनी भाषा में साधारण रूप से उन्होंने लिखा, तो वो हमें ऐसे ही लर्न हो जाते हैं, है ना। तो सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है इस दोहों को उन्होंने, सरल भाषा में लिखा है, बोधगम्य मतलब हमको उसका नॉलेज हो जाता है, और सरल भाषा में लिखा है ना,
रहीम की अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। देखो ब्रज भाषा भी और अवधी भाषा भी, आपने देखा अवधी भाषा किसे कहते हैं, तुलसीदास जी की रामचरितमानस है ना, वो अवधी भाषा में, तुलसीदास जी हमेशा अवधी भाषा में लिखते थे, लेकिन जो ये जो रहीम थे, रहीम ने ब्रज भाषा को भी अपनाया। सूरदास जी थे वो हमेशा ब्रज भाषा में लिखते थे, तुलसीदास जी थे वे अवधी भाषा में लिखते थे। तो रामचरितमानस जो आपने देखा होगा तुलसीदास जी का, वो अवधी भाषा में है, और सूरदास जी का आपने भ्रमर गीत जो और भी है उनके जो सूरदास के पद जो हैं वो सारे ब्रज भाषा में हैं, है ना। लेकिन रहीम जो थे ये दोनों भाषा को भी जानते थे अच्छी तरीके से, क्योंकि जो जो हमारे भारत देश में, जो हमारे हिंदुस्तान में जो जो भाषाएं रही वो इन कवियों ने अपनी अपने पदों में, अपने दोहों में उन्होंने उसे लिखा, ठीक है। तो इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। तो इनकी बहुत सारी बुक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आज हम जो दोहा पढ़ने जा रहे हैं उनके, वो दोहे में पहला उनका दोहा है, पहला दोहा क्या है कि रहीमन धागा प्रेम का, देखो कितने अच्छे से समझा रहे हैं वो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। उनका कहना मतलब है रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारा धागा है, धागा मतलब प्रेम का धागा, जो प्रेम का धागा है, आपने धागे को देखा होगा, धागे को यदि तोड़ दिया जाए और फिर हम उसे कहें कि नहीं ये वैसे ही जुड़ जाए, बिल्कुल वैसे ही सहगा हो जाए, तो फिर कैसा होगा, हो सकेगा क्या, जुड़ पाएगा क्या, नहीं जुड़ पाएगा। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो पहले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है। जब हम प्रेम का संबंध रखते हैं किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में यदि हम हमारे जो रिश्ता किसी से भी होता है, चाहे भाई हो, बहन हो, प्रेमी हो, जो भी हो, जिससे भी हो, हम जब अपना संबंध उससे प्रेम से रखते हैं, और जब प्रेम का संबंध हम किसी के समान होता है, वो किसी धागे के समान होता है ना, एक जैसा धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। वो कहते हैं रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी भी प्रेम के संबंध को, प्रेम के धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। झटके से यदि तोड़ दे, झटके से मतलब किसी कारणवश या किसी को पीड़ा देकर या किसी को दुखवश या ऐसा, हम किसी से यदि प्रेम का संबंध हम तोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। तो वो कह रहे हैं झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है, जब कोई धागा टूट जाता है तो टूटने से क्या होता है, टूटने से वो अलग हो जाता है, और यदि हम उसको जोड़ना चाहें, है ना, टूटे से फिर ना मिले, यानी टूटने के बाद यदि हम उसे मिलाना चाहें तो वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब हम जोड़ते हैं, जब किसी से रिश्ता बनाते हैं, प्रेमवश बनाते हैं, और यदि हम उसे झटके से तोड़ देते हैं तो वो रिश्ता कायम रहता है क्या, नहीं, वो रिश्ता भी टूट जाता है। और यदि हम उसे फिर से जोड़ना चाहें, यदि हम वो रिश्ता फिर से जोड़ना चाहें, तो कहीं ना कहीं वो मलाल हमारे मन में रहता है, कहीं ना कहीं वो मन में हमारी बात खटक जाती है, जो जिस बात से हमारा संबंध टूटा था, तो वो बात हमारे मन में रह जाती है, और वो बात मन में रहकर वो कभी भी सुलझ नहीं सकती, वो उलझी ही रहती है। भला ही हम संबंध बना लें, जाना आना शुरू हो जाए, रिश्तेदारी जो भी है वो उसमें हम जाएं आएं, लेकिन वो बात जो झटके से टूट जाती है, जो झटके से, जो दुख के साथ, हमें पीड़ा के साथ में हमें वो संबंध, हमारा संबंध वो टूट जाता है, और टूट कर फिर हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तो यदि हम जाना आना शुरू भी कर दें, लेकिन वो मलाल हमारे मन से नहीं जाता। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जब एक बार संबंध टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह नहीं जोड़ा जा सकता,
पहले की तरह जुड़ता है क्या वो? नहीं, पहले की तरह हम नहीं जोड़ पाते। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारे मन में कुछ न कुछ तो एक मलाल रह जाता है कि कभी इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, है ना। रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बनाते हैं और उस रिश्तों को देखकर हम ये बात जानते हैं कि इसलिए प्रेम का संबंध ऐसा रहना चाहिए, प्रेम का संबंध हमारा रहना चाहिए ताकि वो हमारा संबंध टूटे ना, इस तरह से उसे निभाते चले जाएं। लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हो जाता है कि संबंध प्रेम का झटके से टूट जाता है, कुछ बात ऐसी हो जाती है जो हो जाए पीड़ादायक हो जाती है, जो संबंध टूट जाता है। यदि टूट गया और हम उसे मिलाने की भी कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं मन में एक मलाल सा रह जाता है, जिसे हम गांठ कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो हम संबंध तो बनाना चाहते हैं लेकिन वो संबंध पहले जैसा जो प्रेम का संबंध था वो पहले जैसा संबंध नहीं रहता है, उसमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है, वो मन में कहीं ना कहीं दुख होता है कि इस व्यक्ति ने ही हमारे साथ ऐसा किया था, है ना। तो वो संबंध हमारा प्रेम का नहीं रह जाता है, भले ही हम दिखावे के लिए जो भी करें, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, इसलिए जो प्रेम संबंध बने हैं उसको बने रहने दो, उसको मत तोड़ो, और तोड़ोगे तो क्या होगा, वो संबंध टूट जाएगा, और टूटा यदि मिलाए तो भी एक मन में मलाल रहेगा, है ना। इसके आगे का एक दोहा और बताऊंगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट दोहा। इसके आगे का हम दोहा देखेंगे, पहला दोहा हमने देखा, अब दूसरा देखेंगे कि रहीमन निजमन की बीठा, रहीमन निजमन की बीठा मन ही राखो बोए, और सुनी अठ नहीं है लोग सब बाट न लई है कोए। कहने का मतलब है कि रहीमन निजमन की बीठा, निज मतलब अपने, निज मतलब अपने, और बीठा मतलब दर्द, बीठा मतलब दर्द, और आदि मतलब ये जो अठलई है, जो बीच में शब्द आया है अठलई है, वो उसको उसका मतलब होता है मजा, और शब्द होता है फिर बट्टी मतलब बांटना, है ना। तो रहीमन निजमन की बीठा, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि जो हमारे मन में पीड़ा है, जो दर्द है, वो उसको हम अपने मन में ही छुपा कर रखें। क्यों? कि रहीमन निजमन की बीठा, और मन ही रखो गोय, गोय मतलब अपने अंदर ही रखो, उसे मन में ही रखो। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं रहीमन दास जी? कहते हैं कि रहीमन निजमन की बीठा मन ही रखो गोय, सुनी अठ नहीं है लोग सब। और जो लोग लोग क्या, लोगों का कहना क्या है, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति के पास, किसी दूसरे व्यक्ति के पास आपका दर्द आपका पता चलता है, तो वे लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हैं वे लोग? उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दर्द को नहीं जानते, है ना, जिसका दर्द वही जानता है। इसलिए दर्द को, कभी भी पीड़ा को रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दर्द है, वो अपने मन में ही रखना चाहिए। किसी और के पास जाएगा, किसी और को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, उसके पास सिर्फ मजाक उड़ाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं कि मन की जो पीड़ा है वो अपने मन में ही रखना चाहिए। यदि हम दूसरों के पास इस चीज़ को बोलते हैं, अपनी पीड़ा को लोगों को दर्शाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, पीछे सिर्फ बातें बनानी आती है लोगों को, है ना, मजाक उड़ाना आता है, तो वो क्या करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। रहीमदास जी ने कितना सुंदर दोहा है ये, ध्यान दिया आपने कि रहीमन निज मन की भी था मन ही राखो गोए, और सुनी अठ लई है लोग सब बाट न लई है कोए। आपका दर्द कोई बांटने नहीं आएगा, आपके दर्द को आपको ही सहना पड़ेगा। यदि हम किसी और के पास अपना दर्द बखान करते हैं या बताते हैं तो लोगों के पास क्या रहेगा, सिर्फ मजाक के अलावा वो आपके सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, वो आपका सिर्फ आपकी बातें बनाते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपना जो दर्द है, अपनी जो पीड़ा है, वो अपने पास ही रखें, है ना। यहाँ उन्होंने, रहीमदास जी ने यही कहा है, वे कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए, दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति को पता चलता है,
तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता अर्थात कि कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता, कोई भी आपके व्यक्ति को दर्द को आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने ये बात कही रही, पहला बताया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। पहले भी दोहे में हम उनके दोहों को यही बात ध्यान रखते हैं कि वो हमें इस तरह सरलता से इस तरह से समझाना चाहते हैं। हमारे जितने भी संत कवि, ये जितने भी मध्ययुगीन संत हो चुके हैं, इन्होंने सिर्फ हमको समझाया है ना, और उसी समझ से आज वो जो हमारे होकर चले गए आज इतिहास बन चुका है, लेकिन आज भी हम उस बात को अपनाते हैं है ना, स्वीकारते हैं। क्यों स्वीकारते हैं? क्योंकि वो बात में सच्चाई थी, और वो बात में आज भी उतनी ही सच्चाई है जितना कि पहले उन्होंने उस बात को समझाया। तो लोग पहले भी जीते थे, आज भी जीते हैं, लेकिन दर्द जो है वो दूसरे में उन्होंने बताया, रहीमन निज मन की भी था मन ही राखो होए, और सुनी अठ लई है लोग सब बाट न लई है होए। इसलिए अपना जो दर्द है वो अपने पास ही रखो, ना तो किसी दूसरे को बताओ। किसी दूसरे को बताओगे तो किसी अन्य को पता चलेगा, तो वो सिर्फ आपकी मजाक उड़ाने के अलावा, आपके पीछे बातें करने के अलावा वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका मजाक ही उड़ाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमें कोई इस तरह से कोई बात हो जाती है, तो हमें अपने आप से ही कोई भी, अब इस बात से तो हमें ये समझना चाहिए, ये हम सीख इसमें से लेते हैं कि भाई अपना कार्य अपने को ही करना है, अपना दर्द अपने को ही समझना है, अपने से ही अपन ही जो कुछ है वो अपन ही कर सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? नहीं, उसको सिर्फ मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं आएगा, वो सिर्फ पीछे आपकी बातें ही करेगा। तो इससे बेटर है कि इससे अच्छा है कि हम अपने आप में ही जिए, अपने आप में ही दर्द को सहते रहें। सहना मतलब किसी और को नहीं, लेकिन अपने में अपनों से ही हम अपनी बातें कहते हैं। लेकिन अन्य व्यक्ति इस बात को जानता है, बाहर का व्यक्ति इस बात को जानता है, तो वो क्या करता है, सिर्फ मजाक उड़ाने के अलावा उसके पास कोई नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है, और वो सिर्फ अपनी बातों को ही मजाक में उड़ा देता है, दूसरों की बातों को ही अपनी मजाक में उड़ा देता है, ताकि वो ये समझ सके कि ये व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपनी ही बातें बताते रहता है। इसलिए हमें किसी को अपने दर्द को, अपने पीड़ा को बातें नहीं बताना चाहिए, ताकि हमें अपने आप में ही रहना चाहिए। यहाँ हमने दो रहीम के दोहे देखे, यहाँ पर हमने दो देखे, आगे और भी हैं, और हम आगे के पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको आगे भी जो इसके रहीम के दोहे हैं और रहीम जी के बारे में और मैं आगे आपको बताते रहूँगी, और उनके बारे में, उनके जीवन शैली के भी बारे में बताऊँगी, ताकि हम उनके बारे में जान सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो दोहे देखे हैं अभी रहीम के, अब हम देखना नेक्स्ट पीरियड में हम आपको आगे के दोहे बताएँगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।